हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल देसी तड़का में आपका स्वागत है। फ्रेंड, सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में गर्म गर्म चीज खाने को मन करता है, जो बाहर से खाने में भी गर्म हो और अंदर भी शरीर में गर्मी पैदा करे। तो गर्म चीज में आता है ये लहसुन। तो आजकल सर्दियों में चलता है ये हरे वाला लहसुन। आम दिनों में तो सूखी हमें लहसुन की कलियां ही मिल पाती हैं, लेकिन इन दिनों में मिलता है ये हरे वाला लहसुन। तो आज मैं इसकी एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, लहसुन का पराठा। तो लहसुन का पराठा बनाने के लिए मैंने ये लिया है कुछ कच्चा लहसुन। इसको मैंने धो के कपड़े से पोंछ के साफ कर लिया है और अब इसे बारीक काट लेते हैं। तो मैंने इस तरीके से इसको बारीक बारीक काट लिया है। एक तो ये लहसुन गर्म होता है, ऊपर से ये इतना टेस्टी होता है खाने में, चाहे इसकी चटनी बनाए चाहे इसका पराठा बनाए। तो ये पराठा मैं बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैंने इसको बारीक काट लिया। अब लेते हैं हम आटे की दो लोइयां। तो ये दो पेड़े हैं, अब इनको हम एक रोटी बेलते हैं और एक को रखते हैं साइड में। तो रोटी बेलने के लिए इसे हम सूखा आटा लगा लेते हैं दोनों तरफ इस तरीके से, जिस तरीके से हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे हम इस तरीके से बेल लेंगे और पूरी प्रॉपर जो रोटी बनाते हैं वो हम बना लेंगे। तो ये इस साइज की हमने रोटी को बेल लिया, अब इसे रख देते हैं साइड और अपना दूसरा पेड़ा लेते हैं और उसी तरीके से एक रोटी हम और बना लेते हैं। ये मैं लहसुन का पराठा बनाने जा रही हूँ, तो इसी तरीके से मैं इसका पराठा बनाऊंगी। ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत करारा पराठा बनेगा और खाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ये दो रोटियां बेल ली हैं, इसमें गेहूं और चने का आटा। आपके पास अगर सादा आटा है तो आप सादा आटे की भी बना सकते हैं। मैंने ये गेहूं चने के आटे से बनाई है। तो अब जब तक हम इसको लहसुन से भर के इसको तैयार करेंगे, तब तक रख देते हैं गैस पे तवा, जिससे हमारा तवा भी गर्म हो जाए। तो इस तरह की रोटी पे हम लगा देते हैं थोड़ा सा घी या ऑयल, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वही लगा सकते हैं। मैं अपनी वीडियो में वही चीज लेके आती हूँ जो नॉर्मली सभी के घर में आराम से मिल जाती है। तो हम इस तरीके से लगाएंगे, इस पे इसे चिकना कर लेंगे और ये जो हमारा लहसुन है इसमें हम मिलाते हैं नमक और मिर्च। इसमें सिर्फ नमक और मिर्ची मिलाना है। अगर हम इसमें जीरा, अजवाइन, चाट मसाला या जो भी मसाले डाल देंगे तो वो अपना टेस्ट देंगे और लहसुन का टेस्ट एकदम खत्म कर देंगे। तो हमें सिर्फ प्योर लहसुन का ही पराठा बनाना है, तो हम इसमें सिर्फ नमक और मिर्च लेंगे। तो ये ले रही मैं इसमें मिर्च स्वाद के अनुसार, बहुत ज्यादा मिर्च नहीं लेनी क्योंकि हल्का सा ये तीखा सा होता है लहसुन, तो इसमें ज्यादा मिर्च नहीं लेनी है। और स्वाद के अनुसार लेंगे नमक, आटे में भी नमक लगा हुआ है तो इसमें हम नॉर्मली नमक लेंगे और इस तरीके से मिक्स करके एक रोटी पे इसे रख देंगे। इस तरीके से आराम से हमें पूरा लहसुन रोटी पे रख देना है, क्योंकि ये मैंने एक रोटी के लिए ही काटा है, तो मैं आपको ये एक पर ही बना के दिखा रही हूँ। अब इसको हम फैला देंगे इस रोटी के ऊपर इस तरीके से, हम इसे फैला देंगे। ये हमने इस तरीके से पूरी रोटी पर फैला दिया है। अब ये जो हमने एक रोटी और बनाई है इसको लेते हैं, इसके ऊपर हम इस तरीके से रख के और प्रेस कर देंगे और हल्का सा इस पे आटा लगा के इस तरीके से हम इसे जरा सा बेल देंगे। ये देखिए, ये हमने अच्छे से बेल के इसे और इस पे सेट कर दिया है। अब इस तरीके से हमने एक दो बार इसे बेलन से प्रेस कर दिया तो ये इस पे अच्छे से सेट हो गया। अब लगाते हैं हम इसके ऊपर ऑयल। ये मैं ऑलिव ऑयल यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी, रिफाइंड या जो भी ऑयल आप यूज करते हैं
वो इस पे इस तरीके से लगा दें। और लगाने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं आराम से। हम ऐसे इसे कट कर लेंगे, ये देखिए, ये इस तरीके से हमने इसे कट कर लिया। अब हमने इसको इस तरीके से तीन भाग में कट कर लिया और ये लेते हैं इसका एक भाग और इसे इस तरीके से फोल्ड करके हम ये इस तरीके से रख लेंगे और दूसरा पार्ट भी हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और ये भी हम रख लेंगे और ये रहा तीसरा पार्ट, तो इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे हम लहसुन का बहुत ही टेस्टी और बहुत ही करारा पराठा। अभी हमने दो रोटी बनाई थी, दो के हमने ये इस तरीके से कट करके तीन पराठे हम बनाएंगे। अब लेते हैं एक, जो एक पार्ट है इसका, इसको हम लेते हैं और ये देखिए ये पूरा स्टफ इसमें आराम से आ गया है। अब इसे हल्के हाथ से हम यूं प्रेस करके, ये देखिए, अब इसका हम पराठा बेल लेंगे सूखा आटा लगा के। तो ये हमने लगाया सूखा आटा, अब इसका बेल देते हैं हम पराठा। हमें ये बहुत ज्यादा प्रेस करके नहीं बेलना है, ये देखिए, और सूखा आटा लगा लेंगे। तो ये पराठा हमने इस तरीके से बेल लिया, तवा हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे तवे पे सेकने के लिए रखते हैं, तवे को हमने पहले ही रख दिया था, तो तवा एकदम गर्म है। अब डाल देते हैं इस पे पराठा। जब तक ये सिकता है एक तरफ से, तो हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने दूसरा पराठा भी इसी तरीके से बेल के तैयार कर लिया है। अब वो पहले वाला पराठा हम पलट के देख लेते हैं तवे पे, एक साइड से सिक गया है कि नहीं। एक साइड से सिक चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड से भी इसी तरीके से सेक लेंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे मीडियम। हमें ज्यादा हाई या ज्यादा स्लो पे पराठा नहीं बनाना है, क्योंकि ये मीडियम फ्लेम पे ही अंदर से भी अच्छे से सिक जाएगा। इस पराठे की ये खासियत होती है कि अगर आप शाम के टाइम चाय बनाएं और इस पराठे को सिर्फ चाय के साथ ही खाएं, तो इसमें ना आपको अचार की जरूरत ना ही चटनी की जरूरत। ये खुद ही इतना टेस्टी और अच्छा बना है कि इसे आप चाय के साथ अच्छे से खा सकते हैं और आपका मुंह का जायका भी एकदम बढ़िया परफेक्ट हो जाएगा। तो अब दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये दूसरी साइड भी आराम से सिक चुकी है। अब इस पे हम घी लगा देते हैं। बहुत आराम से और बहुत जल्दी पराठा बनके तैयार हो जाता है और इसमें कोई भी झंझट भी नहीं है। बस लहसुन और आटा, ये दो चीजों से यही नाश्ता इतनी जल्दी बनके तैयार होता है कि इसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आने लग जाता है। अब इसे हम इस तरीके से पलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। अब देखिए, हमारा पराठा दोनों साइड से एकदम करारा सिक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे और दूसरा पराठा सेक लेंगे। तो ये हमने तीन पराठे बनाए थे दो पेड़े से ही, अब ये तीनों पराठे हमारे सिक चुके हैं। अब इसे हम सर्व करते हैं। तो तैयार है हमारे लहसुन वाले पराठे। देखिए, ये मैं दोनों साइड से दिखाती हूँ।
कितनी करार है। और ये देखिए इनकी आवाज सुनिए कितनी बढ़िया आवाज, और इसकी लेयर भी अलग दिखाई दे रही है। तो इसी तरीके से आप लहसुन के पराठे बनाएं और चाय के साथ इंजॉय करें। तो आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी, और आपने पराठा बनाया तो आपको ये पराठा कितना टेस्टी लगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।